this video, I'll give you an overview of how JNLU campus is like. There are high chances कि आपने इस administrative block के अलावा JNLU में अभी तक कुछ देख नहीं रखा होगा. This is why इस video को मैंने 2 parts में divided कर रखा है. You can watch any relevant part by clicking on the timestamp. Now इस video में मैं केवल JNLU campus के बारे में और आसपास के जो location उसके बारे में ही बात करने वाला हूँ. If you want to read about intricate aspects such as extracurriculars, academics, class timings and so on, तो उसके लिए मैंने कुछ relevant blocks की link डाल रखी है अपने description में. You can check it out from there. So campus is located in an area known as knowledge corridor. क्यों कहा जाता है इसको knowledge corridor? Because इस area में बहुत सारी universities हैं, such as IHM, PDPU, Institute of Advanced Research and so on. आपने gift city के बारे में भी सुना ही होगा. It is the first greenfield smart city that is being developed in India. और JNLU के just pass में ही है. This is just around 2 to 3 kilometers from JNLU. कुछ सालों में इसका कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा. अभी कई सारे ऑफिसेस ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुके हैं गिफ्ट सिटी में, तो पॉसिबली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेगी इन द ईयर्स टू कम बिकॉज ऑफ द गिफ्ट सिटी. तो JNLU से गिफ्ट सिटी तक एक ब्रिज पार करके जाना होता है. बाय द वे, रिसेंटली जो पाताल लोक टीवी सीरीज रिलीज हुई थी उसका स्टार्टिंग सीन इसी ब्रिज पर शूट किया गया था. Also, you'll go to this bridge many times at night with your friends because GIFT City की lights रात को चलती है और bridge से एक बहुत अच्छा view आता है. We also used to go to this area at night many times, but lockdown के बाद नहीं जा पाए. So let's see if we can get the chance to go there again. अब कैंपस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं. तो जैसे ही आप एंटर करोगे सबसे पहले ये गेट आएगा एंड जस्ट नियर दिस गेट वी हैव दिस एटीएम मशीन एंड एज यू कैन सी सामने जो फेमस एडमिन बिल्डिंग है वो है. नाउ एडमिन बिल्डिंग के इस साइड में लाइब्रेरी है और इस साइड में ऑफिसेज ऑफ प्रोफेसर एंड ऑफिसेज ऑफ सम अदर स्टाफ मेंबर्स. ये लाइब्रेरी है, इट्स 3 floors एंड यू वुड फाइंड एवरी सिंगल बुक दैट यू रिक्वायर एज ए लॉ स्टूडेंट. फिर इस बिल्डिंग के जस्ट राइट साइड में एक स्मॉल कैफेटेरिया है वेर यू कैन पे एंड ईट एज पर योर विशेस. ये मेस नहीं है, इसको आप एक छोटा सा रेस्टोरेंट ही मान लो जो मेस के अलावा कॉलेज में ऑपरेट करता है. ये कैफेटेरिया एक लॉन में है और उसी लॉन में एक फाउंटेन है, एक और फाउंटेन है एंड एक प्लेस टू सिट है जहाँ पे यू वुड सेलिब्रेट योर फ्रेंड्स बर्थडे. अब यहाँ से थोड़ा सा आगे चल के जाओगे तो मेस आ जाती है. दिस इज हाउ मेस लुक्स फ्रॉम इनसाइड. 2020 में फुली एयर कंडीशन हो गया था, पहले ये एयर कंडीशन नहीं था. क्या सर होता है, टाइमिंग्स क्या है, वो सब मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी, यू वुड फाइंड एवरी इन्फॉर्मेशन देयर सो यू कैन रीड फ्रॉम देयर. नाउ मेस के जस्ट पास ही ये बिल्डिंग है जहाँ पे हमारी क्लासेस होती है फ्रॉम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स टू फिफ्थ ईयर स्टूडेंट्स. और आर्किटेक्चर इस तरह का है यूनिवर्सिटी का कि आप सुबह उठोगे रेडी होके, आप ब्रेकफास्ट करने आते हो मेस में और मेस से ही डायरेक्ट आप क्लास में चले जाओ, इस तरह से आर्किटेक्चर बना रखा है. दैट्स व्हाई दी क्लासेस बिल्डिंग इज जस्ट नियर मेस. अब इस मेस के जस्ट सामने एक ग्राउंड है जहाँ पे एनुअल फेस्ट कॉलेज का होता है, तब जो कॉन्सर्ट्स होते हैं वो इस ग्राउंड में होते हैं. लास्ट एनुअल फेस्ट हमारा 2019 में हुआ था जब डिवाइन आया था और डिवाइन का कॉन्सर्ट इस ग्राउंड में हुआ था. इसी ग्राउंड में क्रिकेट भी खेला जाता है और दूसरे कुछ एक्टिविटीज होती है, वो सब भी इसी ग्राउंड में करी जाती है. नाउ ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हो आप, यहाँ पे LLM प्लस PhD स्टूडेंट्स की क्लासेस होती है. तो फर्स्ट टू फिफ्थ ईयर स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं, उन सबकी क्लासेस उस बिल्डिंग में और इस बिल्डिंग में दूसरे स्टूडेंट्स की क्लासेस. इसी बिल्डिंग में जिम भी है जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, यू कैन चेक इट आउट ऑन माई चैनल. और फाइनली एक ऑडिटोरियम भी है इस बिल्डिंग में जो 800 पीपल की सिटिंग. फाइनली वी हैव दीस हॉस्टल्स, गर्ल्स हॉस्टल एंड बॉयज हॉस्टल जो एक दूसरे के पास में है. दिस इज द इनसाइड ऑफ बॉयज हॉस्टल. कॉमन बाथरूम्स होते हैं सो यू डोंट गेट अटैच्ड बाथरूम इन एवरी सिंगल रूम. और ये मेरे रूम का एक वीडियो है जो मैंने 2018 में शूट करा था. रूम्स या फिर तो डबल शेयरिंग होते हैं या फिर ट्रिपल शेयरिंग होते हैं, सिंगल शेयरिंग नहीं होते. अगर आपको चाहिए तो आपको एडिशनल पे करना पड़ता है उनके लिए. इस बारे में जब आप कॉलेज आओगे तब आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. एंड फाइनली दिस इज अ वीडियो ऑफ द व्यू दैट आई यूज टू गेट फ्रॉम माय रूम. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. हैव अ ग्रेट डे.